बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली मिस इंडिया रह चुकी नूतन अपने जमाने की प्रतिष्ठित अदाकाराओं में से एक है। उन्होंने खूबसूरती के साथ साथ अपनी शानदार अदाकारी से फैंस के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उनके बेटे मोहनीश बहल भी बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार एक्टर हैं। नूतन ने अपने बेहतरीन फिल्मों से सिनेमा जगत में खास छाप छोड़ी है। मोहनीश ने एक पुराने इंटरव्यू में नूतन को लेकर कई बातें बताई थी। नूतन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हम सब जानते हैं, आइए जानते हैं कि पर्सनल लाइफ में वह कैसी थी। मोहनीश ने बताया था, मैं उनकी फिल्में ज्यादा नहीं देखता क्योंकि जितना मैं देखूंगा उतना ही उन्हें मिस करूंगा, और उन्होंने काफी गंभीर फिल्में भी की हैं जिससे मैं ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मैं उन्हें पर्दे पर ही सही लेकिन तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकता। मेरी माँ एक प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर थी, मैं उनके तमाम शोज पर जाता था। कई बार कश्मीर जैसी जगहों पर आउटडोर शूटिंग होती थी तब भी मैं उनके साथ जाता था। मुझे देव साहब, राज अंकल और सुनील दत्त साहब के साथ उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है। नूतन के आखिरी दिनों के बारे में बात करते हुए मोहनीश ने बताया, वो बेहद बहादुर और आध्यात्मिक थी। कैंसर जैसी बीमारी का उन्होंने बहादुरी से सामना किया। जब उन्हें कैंसर का पता चला तो वो मायूस नहीं हुई। उन्होंने कैंसर से पहले जंग जीत भी ली थी लेकिन उसके बाद कैंसर ने उनके लीवर पर आक्रमण किया। हमने जब दोबारा डॉक्टर से जांच कराई तब तक वो फेल हो चुका था और वो बच ना पाई। मोहनीश ने अपने करियर के बारे में बात करते हुए कहा, उन्होंने मेरी फिल्म में मैंने प्यार किया और बागी देखी, उन्हें मेरा काम पसंद आया, तब भी वो मेरी हिम्मत बढ़ाती रहती थी। रात के 1:30-2 बजे तक हम माँ बेटे साथ में बैठे रहते। उन्होंने मुझे एक ही शिक्षा दी थी कि कैमरे के सामने हमेशा ईमानदार रहना और हमेशा जो दिल में चाहे वही करना। मैं भी अपने बच्चों को यही सलाह देता हूँ। खैर, आज हमारे बीच नूतन नहीं है लेकिन उनकी यादें और उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।